इनफर्टिलिटी यानी बाँझपन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कपल्स को बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। इसके कई अलग अलग कारण भी हो सकते हैं जिसको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इन कारणों को समझकर सही इलाज लेंगे तो आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर एक कपल बच्चे के लिए एक साल या इससे ज्यादा समय से ट्राई कर रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेट होकर एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। इससे आपका रिलेशनशिप भी खराब होने लगता है। ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी है कि आप एक दूसरे के साथ रहते हुए इनफर्टिलिटी के कारणों को समझें। जब आपको रीजंस पता होंगे तो इसके इलाज के लिए आपको बहुत आसानी होगी। इस वीडियो में सबसे पहले हम मेल इनफर्टिलिटी या पुरुषों में बाँझपन होने के कारणों को जानेंगे। मेल इनफर्टिलिटी होने का सबसे मेन कारण लो स्पर्म काउंट हो सकता है, जिसे मेडिकली ओलिगोस्पर्मिया बोल सकते हैं। दूसरा कारण स्पर्म मोर्टिलिटी हो सकता है, जिसे एस्थिनोस्पर्मिया भी बोला जाता है। इस कंडीशन में स्पर्म की मोर्टिलिटी कम हो जाती है और वो मूव करके एक तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मेल इनफर्टिलिटी होने का तीसरा कारण एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी हो सकता है, जिसका मतलब है कि स्पर्म का शेप और साइज किसी वजह से खराब हो जाना। इसे मेडिकल लैंग्वेज में टेराइटोस्पर्मिया बोलते हैं। अगर स्पर्म कैरी करने वाले ट्यूब, जिसे वासा डिफरेंसिया कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी मेल इनफर्टाइल हो सकता है। इन सब के अलावा और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मेल में इनफर्टिलिटी हो सकती है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस या टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत कम हो जाना। जेनेटिक फैक्टर्स भी स्पर्म के प्रोडक्शन और क्वालिटी पर असर कर सकता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे STDs भी आपके स्पर्म और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर असर डाल सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, थायराइड डिसऑर्डर और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ दवाइयाँ जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी एंड्रोजन्स और कीमोथेरेपी ड्रग्स के कारण भी स्पर्म के प्रोडक्शन पर असर होता है। मेल में इनफर्टिलिटी होने का लास्ट कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे ज़्यादा सिगरेट और शराब का इस्तेमाल। इसके अलावा हीट एक्सपोजर यानी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहना, बहुत टाइट फिट कपड़े या जीन्स पहनना और थाइस पर ज़्यादा देर तक लैपटॉप या दूसरी डिवाइसेस को रखकर यूज करना, जो हीट हो सकती है, उससे भी स्पर्म का प्रोडक्शन घट सकता है। अब फीमेल इनफर्टिलिटी या महिलाओं में बाँझपन होने के कारणों को समझेंगे। औरतों में इनफर्टिलिटी होने का सबसे मेन रीजन ओवल्यूशन डिसऑर्डर हो सकता है। ये ज़्यादातर PCOD और हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन की वजह से होता है। दूसरा कारण फैलोपियन ट्यूब डैमेज या ब्लॉकेज हो सकता है, जिसकी वजह से ओवरी से एक यूट्रस में नहीं पहुंच पाता और फर्टिलाइज ना होकर फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होने का तीसरा कारण यूटेराइन इश्यूज हो सकता है, जैसे यूटरस के शेप या स्ट्रक्चर में किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज का होना। ये एबनॉर्मलिटी यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, ओलिप्स और एडेशन में से कुछ भी हो सकता है। अगर औरत में प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी यानी अर्ली मेनोपॉज हो जाता है तो फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। इस कंडीशन में ओवरीज अपने नॉर्मल फंक्शंस को 40 साल की उम्र होने से पहले ही बंद कर देती हैं। इन सब के अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड डिसऑर्डर या प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाने से भी फीमेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का कारण बन सकता है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का आखिरी कारण इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो सकता है। इसके अलावा एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स और ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स जैसे पेस्टिसाइड और इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो में बताए गए इनफर्टिलिटी के सभी काजेस को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में सेहत से जुड़ी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।